हाय, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ स्टूडियो लाइटिंग 101। आज के वीडियो में हम अपनी स्टूडियो में तीसरी लाइट को ऐड करेंगे। अभी तक हमने दो लाइट्स ऐड करी हुई हैं, एक है की लाइट और एक है फिल लाइट, और बाकी हम माइक्रोफोन तो यूज़ कर ही रहे हैं सेकंड एपिसोड से। और जो कैमरा है हमारा फ़ोन का, वो हमने ट्राईपॉड पे प्लेस करा हुआ है। तो स्टूडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस लास्ट लाइट का स्कोप है। इसमें हम अपने राइट बैक साइड पे अपनी एक छोटी सी लाइट को प्लेस करेंगे, आरजीबी लाइट को। उसको दो तरीके से हम लगा सकते हैं, या तो उसको वॉल की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं जिससे बैकग्राउंड वॉल का कलर चेंज हो जाए, या फिर उसको इस तरफ से मारेंगे अपने हेयर पे फ्रॉम, और जिससे हम थोड़ा सा कलर एक्सेंट इधर आ जाएगा और थोड़ी सी सेपरेशन हो जाएगी। तो दोनों तरीके से हम उसको ट्राई करेंगे, जो बेटर लगेगा फिर उसको अडॉप्ट करेंगे। और उस चीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं नीड के हिसाब से, मूड के हिसाब से, कलर को भी चेंज कर सकते हैं और पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहें तो चौथी लाइट भी ऐड कर सकते हैं, कि नॉर्मली कोई करता नहीं है। चौथी लाइट हम इस साइड ऐड कर सकते हैं, उसमें हम अलग कलर भी दे सकते हैं, और उसको या उसको बैकग्राउंड के लिए बना लें और ये वाली सेपरेशन के लिए बना लें। तो मैक्सिमम जो सेटअप होता है वो चार लाइट का ही होता है। तो अभी हम तीसरी लाइट को आज ऐड करेंगे, जो है छोटी सी एक आरजीबी लाइट। मैं उसको आप लाइट को आपको दिखाता हूँ और फिर उसकी पोजीशन को हर तरीके से चेंज करके देखेंगे जिसपे बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो ये है जो लाइट मैं आपको बता रहा था, इसको मैंने गोरिल्ला ट्राइपॉड पे प्लेस कर लिया। अब इसको हम पीछे की तरफ लगाएंगे, और जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं, वैसे स्पेशल इफेक्ट्स आरजीबी और सीसीडी सब कुछ है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हो गया इसका रेड कलर। तो हमें रेड टोन बेसिकली यहाँ पे चाहिए, या अगर हम वॉल पे करेंगे पीछे की तरफ तो वॉल का कलर चेंज हो जाएगा। और इसको हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ आ सकते हैं वॉल से, और इसको वॉल की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं जिससे वॉल का कलर टोन आएगा, या फिर इसको हम इस साइड से दे सकते हैं जिससे यहाँ पे एक एक्सेंट आए, और उतना दूर प्लेस करें जिसमें इफेक्ट बेस्ट आए। अगर क्योंकि पावर इस लाइट की बहुत कम है, इसको बहुत दूर नहीं कर सकते, डिस्टेंस हमें उस हिसाब से ही करना पड़ेगा जिसमें हमारा वो आ जाएगा इफेक्ट, हमें पता भी चलेगा कि हाँ भाई लाइट लगी या नहीं लगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा इसका कि भाई डिस्टेंस कैसा रहता है। और जो वॉल वाला ऑप्शन था, वॉल वाले में तो ये भी कर सकते हैं कि टेबल को थोड़ा सा आगे लेके पीछे इस तरफ को रख दिया, जस्ट बिहाइंड द सब्जेक्ट, और उधर से आपका वॉल का जैसे चेंज हो जाएगा सारा कलर, तो वो भी एक ऑप्शन है। ये हो गया वॉल वाला ऑप्शन, इसमें यहाँ पे रख सकते हैं सामने। गोरिल्ला ट्राइपॉड इसलिए लगाया है, गोरिल्ला ट्राइपॉड को आप किसी भी तरीके पर कहीं पे भी अटका सकते हैं अपने घर पे, नहीं तो लाइट को रोकना, अगर नॉर्मल ट्राइपॉड होता है तो फिर हर जगह पे फिट नहीं हो सकती लाइट, तो गोरिल्ला ट्राइपॉड में आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसको मैं एक बार प्लेस करता हूँ जिससे दिख जाएगा कि क्या इफेक्ट आता है। लाइट को लगा दिए, अभी बिल्कुल मेरे यहाँ पे पड़ रही है, शोल्डर पे और हेयर पे। अभी तो रिकॉर्डिंग के टाइम तो ये फ्रेम में आ रही है, लेकिन जब मैं एडिट करूंगा इसको क्रॉप कर दूंगा तो फिर ये आपको लाइट दिखाई नहीं देगी। ये इफेक्ट आ रहा है आपका किकर लाइट का, या हेयर लाइट जिसे बोलते हैं, रेड एक्सेंट के साथ। अब इसकी पोजीशन को एक बार चेंज करके बैकग्राउंड लाइट भी ट्राई कर लेते हैं। तो अब हमने इसको बैक लाइट की तरह अपने पीछे लगा दिए। बैक लाइट में लगाने के लिए आपको थोड़ी पावर की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि इसी साइड से आपकी की लाइट और फिल लाइट भी आ रही है, तो उन्हें ओवर पावर करने के लिए आपको ज़्यादा हाई ब्राइटनेस वाली आरजीबी लाइट चाहिए होगी। स्टिकर में तो छोटी सी चल जाती है क्योंकि अलग डायरेक्शन से आ रही है, तो पता चलता है। इसमें आपको हल्का सा ही नोटिस हो रहा होगा बैकग्राउंड का कलर चेंज। तो ये हमने आज के एपिसोड में आपको दिखा दिया थर्ड लाइट का यूज़। अब देखते हैं अगले एपिसोड में हम क्या टॉपिक पकड़ते हैं, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। और कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है तो मैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।